हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। दिस इज सेवेंथ लेशन ऑफ योर ईवीएस बुक क्लास 5। ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर रियली डूइंग वेरी गुड। नेम सौकत, विनीत, आकृति, शोली एंड नौदीप। ओके, यू गाइज आर फैबुलस। अदर्स आर ऑल्सो गुड बॉयज एंड गर्ल्स, बट आई वॉन्ट देम ऑल टू प्लीज प्लीज सी द वीडियोज, मेक द होमवर्क, ट्राई टू डू सम स्टडी एट योर होम, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस। ओके, एंड यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम, गॉट इट? Don't waste your time in playing mobile games, okay, or watching TV. You have to take some time for your study. So be sincere and do study. Okay guys, once again, now let's start the experiment with water. What kind of experiment you can do with water at your home? So there is a girl in your book. See, can see the puris, when puris are drawn into the hot oil, after puffing they started floating over the surface of oil. Means हम ये कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे materials हैं जो पानी में तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मटेरियल है जो उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, पहले ये देखेंगे, फ्लोटिंग और सिंकिंग देखेंगे। फ्लोटिंग और सिंकिंग, ठीक है, इन वाटर। इसमें हमें क्या देखना है वो मैंने आपको एक बार बता दिया है स्कूल एक्स रिकॉर्डर पे, मैंने रिकॉर्ड करके पीडीएफ में। अब मैं यहां पे बोर्ड पे बता देता हूं कि वो मटेरियल फ्लोट करते हैं जो थोड़े, जिनका डेंसिटी जो होता है, जिनका डेंसिटी आप नहीं समझ पाओगे लेकिन मैं बता रहा हूं, जो जिनका डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से वो डूब जाते हैं, और जिनका डेंसिटी वाटर से कम होता है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नदी में कूद जाओ और अगर आपको तैरने नहीं आएगा तो आप डूब जाओगे। ठीक है, बिकॉज योर डेंसिटी इज मोर देन द वाटर। इसी में अगर मान लो ये वाटर का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, और बाकी ये नीचे पानी ही पानी है, तो हम एक किल डालते हैं तो वो डूब जाता है। ठीक है, और एक नाव जो होती है जो कि किल से भारी होती है फिर भी वो फ्लोट करती है, ऐसा क्यों होता है? तो नाव जो होती है वो काफी ब्रॉड होती है और जितना डूबती है उतना वेट का पानी वो रिमूव कर देती है। ठीक है, इसी वजह से वो नहीं डूबती है, गॉट इट? और पानी का एक वो होता है, क्वालिटी होता है नदी में, वो अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, पानी एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, तो जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर लगता है, तो उससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है और डूबता नहीं। आप बताओ, यहां पे पानी इधर फोर्स लगाएगी तो इतने ही एरिया पर ना फोर्स लगाएगी, और ऊपर कितना है इसका जो डेंसिटी है ये काफी ज्यादा है, इसी वजह से ये डूब जाता है। ठीक है, ये उतना पानी रिमूव नहीं कर पाता है जितना पानी ये रिमूव करता है, गॉट इट? बहुत पसीना हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा स्वेट को रिमूव कर दिया जाए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ही होगा, गॉट इट? तो ये आप देख सकते हो कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो आर्किमिडीज का लॉ, वो आपको बाद में समझ में आएगा, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा उनका डेंसिटी, जो वाटर का डेंसिटी, वो मटेरियल जिनका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो क्या होंगे, वाटर पे वाटर में डूब जाएंगे, और जिनका डेंसिटी वाटर से कम होगा वो वाटर पे फ्लोट करेंगे। जैसे कि ऑयल, जब आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होता है,
ऑयल वाटर पे फ्लोट करने लगता है बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है. गॉट इट? इसी तरीके से जब आप कोई प्लेट डालते हो वाटर पे तो वो प्लेट काफी चौड़ा होता है और ये वाला वहां पे काम शुरू होने लगता है. पानी उस पर फोर्स लगाती है, वो इधर की तरफ फोर्स लगाता है, लेकिन क्या होता है पानी के थ्रस्ट की वजह से वो तैरते रहता है क्योंकि वो अपने एरिया का जितना वो डूबा रहता है, जितना एरिया उसका डूबा रहता है उतने वेट के बराबर वो पानी को हटा देता है. ठीक है, इसी वजह से वो नहीं डूबता है. यही बात बड़े बड़े जहाजों में लागू होती है और जहाज जो है पानी के शिप जो है वो बिना डूबे हुए तैरते हैं. वो भी डूबते हैं, उनमें कहीं छेद हो जाता है, कहीं पे टूट जाते हैं, तब वो डूबते हैं. ठीक है, चलो तो ये समझे आप कि वाटर में वाटर पे क्या क्या फ्लोट करता है. तो जो मटेरियल जिसका डेंसिटी वाटर से कम रहेगा वो मटेरियल वाटर पे फ्लोट करेगा. जैसे कि आप देखो प्लास्टिक का जो ढक्कन है वो उस पे फ्लोट करता है, लेकिन वहीं पे वो जो लड़की पूरी डालती है फुली हुई पूरी वाटर में वो क्या होता है वो नहीं फ्लोट करेगा, वो डूब जाएगा. ठीक है, ये बात समझ गए. तो ये है फ्लोटिंग और सिंकिंग. ये था फ्लोटिंग और सिंकिंग. अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, मतलब व्हाट डिसॉल्व एंड व्हाट नॉट, क्या डिसॉल्व होता है पानी में और क्या नहीं होता है कंप्लीटली पानी में क्या डिसॉल्व होता है. तो जो डिसॉल्व होता है द मटेरियल दैट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली वो मटेरियल जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं द Dissolve in water, the material dissolve in water completely are called water soluble. जो material, यहां पे the material लिख देता हूं, the material dissolve in water completely, जो material water में completely dissolve होते हैं उनको हम water soluble material बोलते हैं. Example क्या है? Example है salt, शुगर. ये क्या है? ये जो है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं. और जो मटेरियल वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं द मटेरियल दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या कहेंगे उसको? इनसॉल्युबल. यहां पे बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, उसमें बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. जैसे कि मान लो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, सॉयल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इनसॉल्युबल बोलते हैं या वाटर सॉल्युबल नहीं बोलते हैं. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके, तो आपको क्यों लगता है कि वाटर जो है, ये बात समझ गए आप लोग? मैं कहूंगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? द मटेरियल दैट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन द वाटर इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल मटेरियल एंड द मटेरियल दैट डज नॉट डिसॉल्व्स इन द वाटर आर कॉल्ड नॉन वाटर सॉल्युबल. उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन वाटर सॉल्युबल. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? कि सुगर एंड साल्ट आर वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स, soil, oil, cement, these are non-water soluble material. Okay? समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं. अब देखो आपके बुक में है एक बात है racing of drops. एक टॉपिक है racing of drops. इसमें वो लड़की जो होती है वो अपने टिफिन के बॉक्स पे, ऐसे टिफिन का बॉक्स होता है उस पे वो ऑयल के दो ड्रॉप्स डालती है, सुगर के सॉल्यूशन का दो ड्रॉप डालती है और वाटर का दो ड्रॉप डालती है और धीरे से टेढ़ा कर देती है, इसको ऐसे टेढ़ा कर देती है और जब देखती है तो कुछ बहुत तेजी से
कुछ बूंद बहुत तेजी से ऐसे फ्लोट करते हैं, मतलब ट्रेवल करते हैं, कुछ धीरे धीरे और कुछ और धीरे धीरे। ठीक है, तो कौन सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा आप बताओ, वाटर करेगा, ऑयल करेगा या फिर सुगर सॉल्यूशन वाला करेगा? ठीक है, आप बताना। ठीक, मुझे लगता है आपको सबको आता होगा कि तेल ज्यादा करेगा या फिर ऑयल ज्यादा करेगा, सॉरी वाटर ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। गॉट इट, समझ रहे हो? तो मैं आपको एक तरह से बता दूं कि जो ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी मतलब वो काफी गाढ़ा होता है, काफी गाढ़ा होने की वजह से वो धीरे धीरे ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, और जो पानी होता है उसकी विस्कोसिटी जो होती है बहुत कम होती है, तो वो काफी तेजी से फ्लोट क्या होगा इसको क्या बोलेंगे, ड्रेन कर जाएगा। दिस वुड बी द परफेक्ट वर्ड, ड्रेन कर जाएगा काफी तेजी से। और जो सुगर सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा इससे कम तेजी से ड्रेन करेगा। गॉट इट, समझ रहे हो? ओके, तो ये था रेशिंग ऑफ ड्रॉप्स। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, डांडी मार्च। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, डांडी मार्च। इट वॉज मेड बाई दिस मार्च वर्ड वॉज मेड बाई महात्मा गांधी, द ग्रेट महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी ने ये डांडी मार्च किया था। क्यों किया था? बिकॉज इन इंडिया, इफ यू सी द कंट्री, इफ यू सी आवर लवली कंट्री, दिस इज सो, यहां से लेकर ये पूरा एरिया जो है वो दिस एरिया इज कवर्ड बाई ओशियन। ओशियन हैज सॉल्ट इन इट्स वाटर। हम जानते हैं कि ओशियन के पानी में क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, और भारत में जब अंग्रेजों का राज था 1600 से लेकर 1947 तक, इस बीच में ये इन्होंने क्या किया था, कानून बना दिया था कि कोई भी इंसान अपने सी कोस्ट पर, मतलब ये समुद्र के किनारे, पानी से नमक नहीं बना सकता। ठीक है, नमक नहीं बना। अब बताओ, नमक नहीं बनाओगे, नमक नहीं खाओगे तो फिर कैसे, बिना नमक के खाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो उन्होंने पहला काम क्या किया था, पहला उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, नो वन कैन मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर। ओके, कोई भी भारतीय नागरिक नमक नहीं बना सकता। और दूसरा, वही खुद नमक बनाते थे, कौन, अंग्रेज, एंड दे यूज टू सेल द सॉल्ट टू इंडियंस बाई इम्प्लीमेंटिंग और लिविंग हैवी टैक्सेस। वो नमक बना के और भारतीयों को ही बेचते थे और बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था भारतीयों को उस पर, यानी नमक बहुत महंगा था उस समय भारतीयों के लिए। तो ये महात्मा गांधी ने सोचा कि ये तो बहुत बुरी चीज है कि नेचर ने हमें जो दिया है उसका हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ढेर सारा पैसा पे करना पड़े, ये तो बहुत गलत है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके विरोध में हम मार्च करें, मतलब प्रोटेस्ट करें। और उन्होंने अहमदाबाद से लेकर डांडी एक गुजरात में ही, यहां से लेकर यहां तक इन्होंने ट्रेवल किया था। ठीक है, लगभग एक महीना तक पैदल चलते रहे थे। ठीक है, एक महीना तक पैदल चला था उन्होंने, और यहां पे जाके समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने नमक बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों ने बोला था कि नमक नहीं बनाना है तो उन्होंने नमक बनाया, महात्मा गांधी ने नमक बनाया। इसका मतलब अंग्रेजों का बनाया गया कानून उन्होंने तोड़ दिया। तो इसी को बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने ये नमक कानून तोड़ा और साल्ट सत्याग्रह इसको नाम दिया गया। इसको और भी बोलते हैं डांडी मार्च भी बोलते हैं, इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। ये 1930 में किया गया था डांडी मार्च, नमक कानून को हटाने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने चलाया था, और इसमें देश के सारे लोग महात्मा गांधी का सपोर्ट करने के लिए उनके साथ आए थे। ठीक है, यही था डांडी मार्च। ठीक है, तो वाटर में महात्मा गांधी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट, और जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था, और 17-18 साल बाद हम आजाद भी हो गए थे। सो 15 अगस्त आ रहा है, महात्मा गांधी को कभी मत भूलिएगा। ही वॉज अ ग्रेट विजनरी लीडर
और वो कहते थे कि जो गरीबों में सबसे आखिरी नंबर पे खड़ा है उसको सारा अधिकार मिलना चाहिए. ही वॉज अ मैन हु थिंक्स अबाउट द पीपल हु वॉज पुअरेस्ट इन द पुअर. जो गरीबों में भी सबसे गरीब था उसके बारे में सोचा करते थे महात्मा. ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर. सो आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिख लेना इस पीरियड में, ठीक है. ये तो एक होमवर्क रहा. दांडी मार्च मैंने आपको बता दिया. अगर और भी जानकारी आप उसमें से लाना चाहते हो तो आप दांडी मार्च के बारे में डिटेल लिख सकते हो, ठीक है. बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया. हमने देखा कि कौन से मटेरियल जो है वाटर पे फ्लोट करते हैं और कौन से मटेरियल वाटर में डूब जाते हैं. दूसरा कि कौन से मटेरियल जो है वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं, और कौन से मटेरियल जो है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं. देखो दूध है, दूध भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बट इट चेंजेस द कलर ऑफ वाटर, ठीक है. कलर्स भी हैं, वो भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं, बट लेकिन वो वाटर के क्वालिटी को चेंज कर देती हैं, ठीक है. समझ रहे हो ना. सो दिस वॉज इट. बहुत गर्मी है. थैंक यू वेरी मच. आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अगले क्लास में फिर इसी तरह मिलेंगे हम और आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेसन. इसमें जितना भी क्वेश्चन आपसे बनता है वो आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको आप बनाएं. अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.